सात आठ नौ ये तीन महीने। इन तीनों महीनों में बच्चे का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, बच्चा वेट गेन भी करता है। तो इन तीन महीनों की कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है, फॉलो करना है ताकि प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और बच्चे का ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। आशा करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ताकि डेली के अपडेट्स आप तक पहुँचे। कुछ अमेजिंग सिंपल आइडियाज मैं आपसे जो शेयर करती हूँ आपको रोज मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, थर्ड ट्रिमेस्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? थर्ड ट्रिमेस्टर में डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है क्योंकि जैसे जैसे बेबी का साइज बढ़ता है, बेबी अपना अच्छे से वेट लेता है, बेबी बम्प बढ़ता है, डिस्कम्फर्ट बढ़ता है, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना, खाना पीना, हर चीज में थोड़ी थोड़ी परेशानी बढ़ती है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आपके डिस्कम्फर्ट को कम करेंगे एंड बहुत अच्छा इफेक्ट देंगे आपकी प्रेगनेंसी पर, बेबी ग्रोथ पर। सो वो क्या है? नंबर वन कि आपको वॉलनट्स जरूर खाने हैं। अगर अब तक आपने नहीं खाया, नोजिया की वजह से पचता नहीं था, हो सकता है अवेलेबल ना हो किसी को, तो अब इन तीन महीनों में आप वॉलनट्स दो अखरोट रोज खाएं। अखरोट को गर्मी में भी खा सकते हैं, बस उसको आपको भिगो के खाना है। दो घंटा तीन घंटा भिगो लीजिए और उसको आप खा सकती हैं। इससे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि अब वो फेज है जब बच्चा बहुत तेजी से ब्रेन डेवलपमेंट ले रहा है। दूसरा काम जो आपको करना है कि हो सकता है कि अब तक वीकनेस की वजह से, किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से, जिस भी वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर पाई हो, लेकिन अब वो समय आ गया है कि अगर आप बैठी रहेंगी, थोड़ा फिजिकली एक्टिव नहीं अगर होती हैं, तो डिस्कम्फर्ट और बढ़ेगा और 9 महीने तक जाना आपके लिए रोने वाला एक्सपीरियंस भी हो सकता है, आप बहुत परेशानी भी झेल सकती हैं। सो ऐसे में आप डेली वॉक करें, सिंपल सी बात है, आप डेली वॉक करें। एक्सरसाइज का गाइडेंस अगर आपको नहीं है तो अनजाने में कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे कि आपको नुकसान हो जाए। जो सुरक्षित है, कंफर्ट जोन में रहकर करने वाली है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन वॉक एक ऐसी चीज है जो हर महिला कर सकती है। वॉक करते वक्त पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखें, बीच में पॉज ले सकती हैं आप। 2 से 3 किलोमीटर वॉक करना है सुबह शाम, 2 टाइम कीजिए या 1 टाइम कीजिए, अपने कंफर्ट में रहकर कीजिए। हाइड्रेशन का ध्यान रखना है वॉक करते समय और स्लिप होने से बचना है। तो वॉक अगर करती है तो कॉन्स्टिपेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिस्कम्फर्ट है, कई तरह के पेन है, उनसे आप बच जाएंगी। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, मूड बहुत पॉजिटिव रहेगा और खुशी खुशी आप इस फेज को पार कर पाएंगी। अब वो फेज आ गया है कि बेबी ग्रोथ के लिए कैलोरी नीड बढ़ जाती है, तो हमको 350 से 500 के आसपास, जैसे आपके डॉक्टर या आपके डाइटिशियन सलाह देते हैं, उस अकॉर्डिंग कैलोरी बढ़ानी है, खाने की मात्रा को हमको बढ़ाना है। लेकिन क्या बढ़ाना है? ऐसा नहीं कि आपको मीठा ज़्यादा खा लेना है या चावल बढ़ा लेना है। फूड ग्रुप्स जो भी आप फूड लेते हैं, थोड़ा सा दाल में बढ़ोतरी, थोड़ी सब्जी में बढ़ोतरी, कुछ मिलेट्स वगैरह भी आप खाइए, फ्रूट्स की मात्रा बढ़ाइए, थोड़े ड्राई फ्रूट्स, नट्स लीजिए, दूध लीजिए, केसर मिल्क लीजिए, इस तरीके से हर फूड ग्रुप में से थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी करें और एक संतुलित आहार आप लीजिए। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस समय देखने में आती है, कई लोगों के साथ होता है कि वेट गेन बच्चे का नहीं आया होता, वेट सही नहीं आया होता है, तो ऐसे में आपको नजर रखनी है प्रोटीन पे। अगर इन 3 महीनों में आपने प्रोटीन पे नजर रखी, सही से खाया, तो बच्चे का सही वेट आएगा, बच्चा बहुत तंदुरुस्त होगा क्योंकि अब मसल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे में, तो प्रोटीन चाहिए। ऐसे में आपकी हर मील में प्रोटीन होना चाहिए। स्प्राउट्स, दही, पनीर, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजें प्रोटीन रिच हैं, आप इनको जरूर खाएं। अगर आपके डॉक्टर ने कोई सप्लीमेंट दिया है, प्रोटीन पाउडर दिया है, बिस्किट्स दिए हैं, तो उसको भी आप दूध के साथ या जैसे सजेस्टेड है आप जरूर खाएं। अब बात आती है ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम बहुत जरूरी है, रिलैक्सेशन फिजिकल एंड मेंटल। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप 8 से 9 घंटा सोएं। अगर रात को नींद पूरी नहीं होती है तो दिन में भी एक सही समय चुनें जिससे कि आपका फूड का टाइम भी डिस्टर्ब ना हो, टाइम टाइम से अपना मील लें आप, और बीच में 1-2 घंटा का आप नैप जरूर लें, ढंग से आप सो सके। इसके अलावा थोड़ा मेडिटेशन करना, थोड़ा म्यूजिक सुनना, रिलैक्सेशन का टाइम जरूर दे खुद को, क्योंकि स्ट्रेस अगर रहेगा तो डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आता है और आपको डिस्कम्फर्ट भी बढ़ता है। सो आशा करती हूँ कि ये आइडियाज आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे और आप बहुत खुश रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, बाय।